दक्षिण कोरिया की सेना के अनुसार नए साल के लिए नीति निर्धारित करने के लिए एक बड़ी राजनीतिक बैठक से पहले उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को दो संदिग्ध कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि प्योंगयांग के सुनसान क्षेत्र से स्थानीय समय अनुसार शाम करीब 4:30 बजे मिसाइलें दागी गई। उसने कहा कि दो मिसाइलों को कोरिया प्रायद्वीप और जापान के बीच पानी में लॉन्च किया गया। उत्तर कोरिया 2022 में रिकॉर्ड संख्या में मिसाइल दागने के साथ तनाव बढ़ रहा है। इस साल में यह 64वां दिन है जब उत्तर कोरिया ने मिसाइलें दागी है।